मम्मा मिया, तुमको जाके देखना पड़ेगा मेरा पिक्चर हाउसफुल 4, 4 बार तो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग। हाय, दिस इज चंकी पांडे और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। अच्छा सर, ये भी जानना चाहूंगी कि आप तो मेरा फोन पे भी वीडियो ले रहा है, क्या कर रहा है तू? अच्छा, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है? अच्छा, हमारी फोटो ले रहा है तू? ठीक है, ले। आई एम नॉट जोकिंग। हाँ बेटा, क्या हुआ? अरे चलो चलो, ये खत्म कर रहे हैं। हाँ जल्दी जल्दी करो, मेरा शो शुरू हो गया, कपिल शर्मा वाला। साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी दो बड़ी फिल्में आ रही है, एक तो हाउसफुल 4 और दूसरी प्रस्थानम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई प्रस्थानम में बहुत ही चालाक कैरेक्टर बना हूँ, बोलते ना वो जो लोमड़ी फॉक्स बना हूँ उसमें, और हाउसफुल तो पास्ता, लेकिन इस बार डबल रोल वाला पास्ता, तो डबल धमाका। अब पास्ता एक है आखिरी पास्ता, और एक है वास्को डा गामा मेरा मामा, बिकॉज वो 500 साल पहले पैदा हुआ था, तो बोल सकते हैं पहला पास्ता और आखिरी पास्ता। फैंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और वो भी आखिरी पास्ता किस टाइप में? मम्मा मिया, तुमको जाके देखना पड़ेगा मेरा पिक्चर हाउसफुल 4, 4 बार तो देखना पड़ेगा। आई एम नॉट जोकिंग। आजकल तो मैं इतने लोगों को डरा रहा हूँ, इनफैक्ट अभी बीच में मैं बाहर गया था किधर, तो एक आंटी चप्पल लेके आई मुझे मारने के लिए। मैं बोला आंटी हुआ गया? आपने प्रभास का गला पकड़ के मरोड़ दिया उसका गला। अच्छा, आप प्रभास की आंटी हो? नहीं, मैं उसकी मम्मी हूँ लिटरली। मैं साथ ही ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या उस प्रोजेक्ट को चुनते हैं, एक ऐसी कौन सी खास चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के? देखो, पहले तो मैं कभी कहानी सुनता नहीं हूँ प्रोजेक्ट की। अच्छा। और ना ही कोई मुझे कहानी सुनाता है। मैं बोलता हूँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ इस पिक्चर में, मुझे वो सुनाओ। और अगर मुझे एक भी सीन समझ में आया कि ये सीन मैं कुछ इसको लेके कुछ तुर्रम खानगिरी कर सकता हूँ, तो मैं फिल्म के लिए हाँ बोल देता हूँ। तो भले मेरे 4 सीन हो या 40 सीन हो, मुझे बस वो 1-2 सीन की जरूरत है। और मैं ऐसी रोल्स चुनने की कोशिश करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं ऐसे रोल्स करने के लिए, कि ऑडियंस थिएटर से निकले तो भाई मुझे याद करना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, मुझे याद करो। बट आई एम लकी, और मैं उस हिसाब से चुनता हूँ। इनफैक्ट जब मैं बांग्लादेश से आया था तो काफी लोग मुझे भूल गए थे, और एक 5 साल के बच्चे ने मुझे आके पूछा कि अंकल अंकल तुम्हारा नाम क्या है? सर भाई, अच्छा बेटा तुम मेरा नाम नहीं जानते, आप जाके अपने मम्मी को पूछो मैं कौन हूँ। तो आई मीन ऑब्वियसली अगर वो 5 साल का, तो उसकी मम्मी ने मेरी फिल्में जरूर देखी होगी। तो मैंने सोचा यार ये 5 साल के बच्चे के लिए अभी मैं फिल्में करूँगा, तो मैंने फिर वो नेपाली का कैरेक्टर या फिर आखिरी पास्ता का कैरेक्टर, मुझे मौका मिला ये सब कैरेक्टर्स करने के लिए। लेकिन हम सब के अंदर एक 5 साल का बच्चा होता है, मेरे अंदर तो एक बंदर है देखो। हमारे दिल में ये सब बच्चा होता है, जब थिएटर जाते हैं तो हम चाहते कि हम हंसे रोए ताली बजाए सीटी बजाए, बच्चे बन जाते हैं। एंड आई थिंक दैट इज एंटरटेनमेंट, दैट इज सिनेमा, मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी सिनेमा में जाता हूँ, मैं रोता हूँ, हंसता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। इनफैक्ट मेरे बीवी कभी परेशान हो जाती है मैं जब सीटियाँ वीटियाँ मारता हूँ थिएटर में, बिकॉज आई एम लाइक एन ऑडियंस। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हिंदी फिल्मों में आप इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपने कुछ टाइम तक बांग्लादेश की फिल्मों में भी काम किया है, तो फिर वहाँ से दूरियाँ क्यों बना ली? नहीं नहीं नहीं, ऐसी दूरियाँ नहीं, मैं बस चला गया वहाँ, आई मीन इधर काम नहीं मिल रहा था तो वहाँ चला गया ढूंढने काम। लेकिन भाई वहाँ जब गया 3-4 साल राज किए, भाई हम जहाँ भी जाते हैं तो राज करते हैं। बट फिर मेरी बीवी ने बताया भाई तुम यहाँ कर क्या रहे हो, आई मीन तुम्हारी पहचान चंकी पांडे बॉलीवुड की है, ये सब तुम्हें इसलिए प्यार करते हैं बिकॉज तुम चंकी पांडे हो, तुम भूल गए तुम बॉलीवुड के हो, जल्दी वापस आ जाओ। तो बस हम बैग पैक करके वापस आ गए। सर, एज अ हमने आर्टिस्ट आपको देखा है, आप इतनी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं, आपका कैरेक्टर इतना अच्छा अच्छा रहता है। जब अनन्या पांडे से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बोला था कि नहीं, मेरे पापा जो है वो एकदम कूल डैड है, एकदम फ्रेंड की तरह रहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आप सच में उनके कूल डैड है? मैं बहुत ही ज्यादा कूल डैड है। इनफैक्ट कभी कभी मेरी बीवी डांटती है मुझे कि क्या हो गया तुम बच्चों को कुछ बोलते क्यों नहीं हो। मेरी दो बेटियां हैं, अनन्या जो 20 साल की है और राइसा जो 15 साल की है। लेकिन यू नो मेरे लिए मैं चाहता हूँ कि यू नो बचपन सबके
जीवन में सिर्फ एक बार आता है, तो यू शुड एंजॉय योर चाइल्डहुड, मस्ती करो, मजाक करो. पापा इतने मस्ती मजाक करते थे. तो आई बहुत रेयरली करेक्ट करता हूँ. मैं यही मैं डालता हूँ कि पैसों की कदर करो, लोगों की इज्जत करो, और बस ये दो चीजें, यू नो, लोगों की इज्जत, पैसों की कदर, कुछ अनाप शनाप नहीं करना. एंड बाकी भावना, जो मेरी वाइफ है, उन्होंने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है बच्चों के लिए, बच्चों को, दोनों बेटियों को. शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड और मैं थोड़ा ज़्यादा ही कूल हूँ. तो बोलते ना, एक गुड पुलिस मैन, एक बैड पुलिस मैन, ऐसे घर में. तो आई एंजॉय द किड्स. आई एम अ कूल डैड. कूल डैड. हैशटैग कूल डैड. अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी, कभी कभी मम्मी परमिशन नहीं देती तो आके मुझे पूछते हैं. मैं दे देता हूँ, फिर घर में मेरी धुलाई होती है.